सो ये कैलकुलेशन है जहां पर बोल रहा है आर लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू अक्वायर एस लिमिटेड. तो आपका जो एस लिमिटेड है ये क्या बन गया, आपका टारगेट कंपनी, और आर लिमिटेड जो है ये आपका बन गया अक्वायरर कंपनी. सो आर लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू अक्वायर एस लिमिटेड बाय मर्जर एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द कंपनीज. सो आपको दोनों कंपनीज का टोटल अर्निंग्स दिया हुआ है, 2,50,000, 90,000, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड मार्केट प्राइस दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज. सो प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनीज इज वेरी सिंपल बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज ईपीएस इक्वल टू. सो ईपीएस इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. तो आप फर्स्ट पार्ट में अगर सॉल्व करोगे तो आपके लिए बड़ा सिंपल सा हो जाएगा ये क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर आपको दोनों कंपनीज का अर्निंग्स गिवन है. सो अर्निंग्स ऑफ आर इज 2,50,000 एंड अर्निंग्स ऑफ एस इज 90,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर ऑल्सो गिवन. सो ईपीएस ऑफ आर इज 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000. सिमिलरली ऑफ एस लिमिटेड इट विल बी 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000. सो दोनों ही कंपनीज का आपको ईपीएस मिल जाएगा. सो ईपीएस हो गया आर का 5 रुपया एंड एस लिमिटेड का जो ईपीएस है ये निकल के आ जाएगा आपके पास ₹3. सो फर्स्ट पार्ट डन. सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है इफ द प्रपोज्ड मर्जर टेक्स प्लेस व्हाट वुड बी द न्यू अर्निंग्स पर शेयर ऑफ आर लिमिटेड अज्यूमिंग द मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करेंट मार्केट प्राइस. अब आप देखिए क्या इस क्वेश्चन में आपको स्वॉप रेशियो गिवन है. आंसर इज नो. स्वॉप रेशियो आपको वो बोल रहा है कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस. तो अगर पिछले वीडियो में आपने चेक किया होगा तो वहां पर मैंने बताया था इस वाले में आपको स्वॉप रेशियो गिवन था. यहां पर स्वॉप रेशियो आपको अगर नहीं गिवन होता तो हम इस तरीके से कुछ कैलकुलेट करते टारगेट बाय अक्वायरर. सो यहां पर भी वही होगा. सिंस द स्वॉप रेशियो इज नॉट गिवन वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट व्हाट द स्वॉप रेशियो बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस. सो स्वॉप रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस विल बी टारगेट डिवाइडेड बाय अक्वायरर. करेक्ट. अब यहां पर टारगेट कंपनी कौन सी है, एस लिमिटेड, और अक्वायरर कंपनी है आर लिमिटेड. तो एस का मार्केट प्राइस है ₹14, आर का मार्केट प्राइस है ₹21. सो योर स्वॉप रेशियो इज 2/3 और 2/3. करेक्ट. अब फिलहाल क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. इस स्वॉप रेशियो के बेसिस में आप सबसे पहले निकालोगे हाउ मेनी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स यू आर गोइंग टू गेट एंड उसके बेसिस पे आपका निकलेगा नया अर्निंग्स पर शेयर. सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स यू आर गोइंग टू इशू. तो आप देखिए अपने सेकेंड पार्ट के अंदर स्टेप वन जो अपने लिए था दिस वॉज द कैलकुलेशन ऑफ स्वॉप रेशियो और ये हमने कैलकुलेट किया टारगेट डिवाइडेड बाय द अक्वायरर कंपनी और ये आया था अपने पास 14/21. स्टेप टू विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स विच विल बी इशूड एज परचेज कंसिडरेशन. सो दिस विल बी योर स्वॉप रेशियो इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. तो आप देखिए आपका स्वॉप रेशियो है 14/21 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इट इज 30,000. तो आप कितने शेयर्स इशू करोगे, इट विल बी सो यू आर गोइंग टू इशू 20,000 शेयर्स. करेक्ट. अब स्टेप थ्री आ जाएगा व्हेन यू विल कैलकुलेट द न्यू अर्निंग्स पर शेयर द न्यू ईपीएस पोस्ट मर्जर. अब देखिए नया ईपीएस आप कैसे निकालोगे. यू देखो ईपीएस का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. इट इज योर टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय योर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. ऑब्वियसली इक्विटी इक्विटी टोटल अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर एंड टोटल इक्विटी शेयर्स. तो आप देखिए टोटल अर्निंग्स कैसे निकलेगा. आर का खुद का अर्निंग्स जो 2,50,000 रुपया था वो तो एज इट इज ही रहेगा. इसके अलावा एस जो 90,000 कमा रहा है वो भी किसके पॉकेट में जाने वाला है, आर के पॉकेट में. सो द टोटल अर्निंग्स विल बी द टोटल अर्निंग्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी प्लस द टोटल अर्निंग्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. राइट.
डिवाइडेड बाय, आप देखिए आर के 50,000 शेयर्स जो थे वो तो पहले भी थे अभी भी रहेंगे, तो ये 50,000 शेयर्स दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी प्लस द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एज अ पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। सो ये 20,000 शेयर्स आपने और इशू कर दिया, तो अगर इसका हम टोटल लगाएं तो ये बन के आता है 3,40,000 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हो जाएंगे 70,000। तो यहाँ पर आपका नया अर्निंग्स पर शेयर जो है वो निकल के आएगा तकरीबन ₹4.86। सो दिस इज़ द न्यू ई पी एस विच इज़ पोस्ट मर्जर। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर दिया कि अगर स्वॉप रेशियो मार्केट प्राइस के बेसिस पे हो तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे और उसके बेसिस पे आपने ईपीएस कैलकुलेट किया। अब थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो। अब देखो यहाँ पर एक्सचेंज रेशियो आपको पता लगाने को बोल रहा है, इफ एस लिमिटेड वॉन्ट्स टू इंश्योर दैट द सेम अर्निंग्स टू द मेंबर एज बिफोर द मर्जर टुक प्लेस। सो बेसिकली यहाँ पे आपको वो ये पता लगाने बोल रहा है, वो ये बोलता है कि एस लिमिटेड जितना पहले अर्न करता था बाद में भी उसको उतना ही अर्निंग्स चाहिए, वो नहीं चाहता कि उसका अर्निंग्स फॉल करे टोटल अर्निंग्स। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, हियर जब भी इस तरह से रहेगा यू कैलकुलेट द स्वॉप रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, और आप देखना वहाँ पर आपके पास जो अर्निंग्स रहेगा वो पहले जितना था बाद में भी उतना होगा। सो हियर यू कैलकुलेट स्वॉप रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, और जब आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपका अर्निंग सेम रहेगा। आप देखिए कैसे, तो अगेन लॉजिक वही रहेगा, टारगेट डिवाइडेड बाय अक्वायरर। तो आपने देख अभी अभी कैलकुलेट किया था टारगेट का अर्निंग्स पर शेयर कितना है 3 और अक्वायरर का अर्निंग्स पर शेयर कितना है 5, सो इट विल बी 3/5। अब सेकेंड में आप कैलकुलेट कर दोगे हाउ मैनी नंबर ऑफ शेयर्स विच इज टू बी इशूड, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो निकल के आएंगे इट विल बी 3/5 और इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने 30,000, सो दिस विल बी इनटू 30,000। सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस दिस बिकम्स 18,000 शेयर्स। अब आप देखिए व्हाट विल बी द न्यू ईपीएस, द न्यू ईपीएस विल बी, आप देखिए 2,50,000 रुपया जो अक्वायरर पहले कमा रहा था वो बाद में भी कमाएगा, 90,000 उसके नए अर्निंग्स में ऐड हो जाएंगे, 50,000 शेयर्स उसके पास पहले भी थे अभी भी रहेंगे, इसके अलावा उसको 18,000 नए शेयर्स इशू हो जाएंगे। टोटल जो निकल के आया दिस इज 3,40,000/68,000, और आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो अर्निंग्स पर शेयर निकल के आता है वो कितना आता है 5 रुपीज़। नाउ लेट्स कैलकुलेट और लेट्स इवैल्यूएट the earnings of S Limited. Let's evaluate the earnings of S Limited. तो आप देखो before merger उनका earnings कितना था, उनका earnings था earning per share था 3 rupees और 30,000 shares थे और total उनका earning आता था 90,000. So they used to earn 3 rupees per share into total number of shares उनके कितने थे 30,000 और उनका total earning था 90,000 रुपये after दिस। अब क्या हो जाएगा क्योंकि अब तो वो 5 रुपए के हिसाब से कमाएंगे, सो देयर अर्निंग्स विल बी व्हाट 5 रुपीज इनटू, अब नए शेयर्स उनके कितने 18,000 क्योंकि आप देखो उनको नए 18,000 शेयर्स ही इशू हो रहे, सो 5 × 18,000 और आप देखो इनका अर्निंग्स अभी भी कितना आ गया 90। सो व्हाट वाज द अर्निंग्स बिफोर इज सेम द अर्निंग्स आफ्टर मर्जर। तो जब भी आप ध्यान रखना इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले जहाँ पर वो आपको बोले एक्सचेंज रेशियो शुड बी सेम सो दैट द अर्निंग्स आर सेम, तो आप ध्यान रख लेना एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट बेस्ड ऑन ईपीएस। कल को अगर आपको वो ऐसा क्वेश्चन दे और बोले कैलकुलेट द एक्सचेंज रेशियो वेयर द मार्केट वैल्यू रिमेन सेम, तो आप वहाँ पर एक स्वैप रेशियो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको पिछला कॉन्सेप्ट और वैल्यूएशन के अंदर और क्लैरिटी आया होगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।